हाय दोस्तों, दिव्या हियर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल i360 सॉल्यूशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं MS Excel के बेसिक से एडवांस वीडियोस। ये वीडियोस देख के आप MS Excel का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे MS Excel के प्रीवियस वीडियो तो जरूर देखे होंगे, आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पेज लेआउट के बारे में। दोस्तों, तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि किस तरह हम हमारी एक्सेल शीट में भी पेज लेआउट पूरा सेट कर सकते हैं, जो कि ज्यादातर यूज में आता है प्रिंटिंग के लिए। कि जब हम हमारे शीट पे जो डेटा है उसका अगर हम प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, वो किस तरह प्रिंट आएगा, किस तरह के पेपर पे आएगा, उसका क्या साइज रहेगा, उसका क्या ओरिएंटेशन रहेगा, ये सारी हम फॉर्मेटिंग और ऑप्शंस आज अप्लाई करके देखने वाले हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर हमें शीट के डेटा को प्रिंट लेआउट में जाना है या प्रिंट करवाना है, तो हम किस तरह उसका यूज करेंगे। तो ओके दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज पेज लेआउट। तो इसके लिए दोस्तों, मैंने पहले से ही कुछ डेटा रेडी रखा है और उस पर कुछ फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करके रखी है। उसके अलावा भी आगे के ऑप्शन आपको समझाने के लिए इस पर भी मैं कुछ फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करके बताती हूँ। जैसे दोस्तों, ये जो कॉलम है, ये सेल जो पूरा रिकॉर्ड है, इसको मैं जाके होम टैब से हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये कलर कर दिया, और ये जो डेटा है इस पे मैंने कुछ डिफरेंट कलर कर दिया। ओके दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मैंने कुछ आधे ही डेटा पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, जिससे कि मैं आपको ये शो कर सकूं। ठीक है दोस्तों, आप सेम डेटा यूज कर सकते हो, या अपने पास में कोई भी अवेलेबल डेटा हो आप उसका यूज कर सकते हो, जिससे कि आप अपने प्रिंट लेआउट में, पेज लेआउट में जो सारी सेटिंग्स हैं उनको अप्लाई करना सीख सको और उसका यूज कर सको। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जैसे ये मैंने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, तो अब पेज लेआउट के लिए आपको क्या करना है, एक्सेल में सबसे पहले पेज लेआउट टैब पे जाना है, फिर इस रिबन में जो आज सारे हमारे पास में ऑप्शन है इनको हम अप्लाई कर करके देखेंगे। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारे पास में थीम्स। इस थीम्स का हम कैसे यूज करते हैं वो आज मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे जो मैंने डेटा सेलेक्ट कर रखा है सारा, अब उस पर मैं थीम का अप्लाई कर रही हूँ। तो देख रहे होंगे आप दोस्तों किस तरह अलग अलग कलर्स में हमारा डेटा आ रहा है, क्या अलग अलग फॉन्ट में आ रहा है। जो डेटा का फॉन्ट है वो भी आप देख सकते हो, जैसे मैंने ये अप्लाई किया तो ये डेटा का जो फॉन्ट है वो भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप में हो गया है, इसका कलर भी डिफरेंट में हो गया है। जिस तरह की भी मैं थीम यूज करना चाहूँ वो मैं यूज कर सकती हूँ, और अगर करंट थीम को ही मैं यूज करके सेव करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। ये इनके थीम के नेम भी लिखे हुए आ रहे हैं हमारे पास में, जैसे टेक्निक, ये थाच, स्लिप स्ट्रीम, ये सब तरह की थीम्स को हम यूज कर सकते हैं। देखा दोस्तों आपने कि कितना अट्रैक्टिव बन जाता है हमारा डेटा जब हम इन थीम का यूज करते हैं। दोस्तों, ये थीम क्या है? दोस्तों, ये थीम जो है ओवरऑल एक तरह की फॉर्मेटिंग ही है जो हम हमारे डेटा पे अप्लाई करते हैं। कि जैसे कि हम फॉन्ट्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, इसमें थीम में अलग अलग दिया हुआ भी है कि हम कलर्स अलग अलग तरह के अप्लाई करके देख सकते हैं। देखना है दोस्तों, आपने देखा जिस तरह, ठीक है। उसके अलावा हम चाहे तो खुद के न्यू कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे क्रिएट न्यू कलर में ये आ गया हमारे पास में, हम किस किस तरह का कलर चाहते हैं, तो हमारे पास में मोर कलर ऑप्शन में ये सारी चीजें आ जाती है। और इसी तरह हम हमारे जो थीम है इसमें क्या करते हैं, अलग अलग तरह के फॉन्ट यूज करते हैं। यहाँ पे तो लिमिटेड फॉन्ट आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे इतने सारे फॉन्ट्स आपके अवेलेबल है। इसी तरह से जो होम टैब है, यहाँ पे आपके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट की सीरीज है, जो हम फॉन्ट नेम यूज करना चाहें वो कोई सा भी हम अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में अनलिमिटेड फॉन्ट अवेलेबल है। तो इसी तरह पेज लेआउट में अगर हम कोई इफेक्ट शो करना चाहते हैं तो वो भी हम शो करके बता सकते हैं। वो इस डेटा में पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ दूसरे तरह का डेटा लेना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो ये देखा आपने कि किस तरह थीम टैब में जाके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थीम हमारे टेबल पे या हमारी शीट पे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जो भी डेटा अवेलेबल है उस पे ये सारी थीम्स अप्लाई हो जाएगी। देखा दोस्तों, हमारा थीम टैब कितना इजी था और कितना अट्रैक्टिव लुक देता है हमारे पेज को और हमारी शीट को और हमारे डेटा को। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों मार्जिन। मार्जिन जो है ये पेज सेटअप में ये सारे ऑप्शन काम आएंगे दोस्तों।
तो पेज सेटअप हमारे लिए अब हम यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये जो पेज लेआउट है या पेज सेटअप है, ये सारे ऑप्शन हमें हमारे पास में जब हम अपनी शीट का डेटा प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसमें यूज आता है। तो मार्जिन दोस्तों आपने देखा ही होगा, हम कोई भी पेपर प्रिंट करवाते हैं तो उसके बॉटम में, उसके टॉप में, उसके लेफ्ट में जो मार्जिन आता है, जो जनरली मार्जिन होता है वो लेफ्ट और टॉप का होता है, उसके अलावा वो राइट और बॉटम का भी हो सकता है, लेकिन जो मेनली यूज आता है, जो हमें विजिबल भी होता है, दैट इज टॉप एंड लेफ्ट। जैसे अभी भी आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने इतना स्पेस छोड़ा हुआ है लेफ्ट में और उसके अलावा टॉप में, जिससे कि आपको डेटा अच्छे से मिडिल में दिख सके। तो दोस्तों इसी तरह मार्जिन का हमें ऑप्शन दिया है एक्सेल ने कि हम हमारे हिसाब से कस्टम चाहते हैं अपना सेट करना तो वो भी कर सकते हैं, नॉर्मल यूज करना चाहते हैं प्रिंटिंग के लिए तो वो भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे जब आपको करूंगी तो आपको ये नहीं शो होगा, क्योंकि ये हमारे लिए प्रिंट में वर्क आता है, तो मैं आपको आगे करके दिखाऊंगी प्रिंट में कैसे यूज आएगा। ओके दोस्तों, वाइड करना चाहें, नैरो करना चाहें, सबसे पहले मैं आपको नैरो करके दिखाती हूँ। देखो दोस्तों ये नैरो अप्लाई कर दिया है मैंने, अब इसके बाद में मैं जाऊंगी फाइल से प्रिंट ऑप्शन में। देख रहे हो दोस्तों आप कि हमारा ये शीट में जो डेटा है ये काफी बड़ा है, तो ये यहाँ पे दो शीट में अवेलेबल हो रहा है, ये दिख रहा होगा आपको दोस्तों, ये दो शीट में अवेलेबल है हमारे पास में। ये क्या किया है यहाँ पे, प्रिंट एक्टिव शीट, जो प्रिंट है जो निकलेगा वो एक्टिव शीट का ही निकलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि नैरो में ये जो लेफ्ट का जो मार्जिन है, सॉरी जो राइट का मार्जिन है और जो बॉटम का मार्जिन है वो बिल्कुल नैरो हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो वापस से हम पेज लेआउट टैब पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दिख रहा होगा हमारी शीट में जिस तरह मैंने डेटा रख रखा है उसी तरह ये प्रिंट के लिए अवेलेबल हो गया है। यहाँ पे ना इसके टॉप में कोई जगह है ना इसके बॉटम में, सॉरी लेफ्ट में कोई जगह है, ये बिल्कुल नैरो इसने करके बता दिया है। ये टॉप में इसलिए हमें जगह दिखा रहा है क्योंकि इसने ये हेडर के लिए, ये टॉप में इसलिए जगह दिखा रहा है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हेडर के लिए स्पेस छूटा हुआ है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास में जो अदर पेजेस है उन पे भी हम जाके देख सकते हैं किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे नीचे स्पेस छूटा हुआ था इसलिए, अब लास्ट वाले में स्पेस नहीं था छूटा हुआ, तो ये बिल्कुल नैरो करके यहाँ पे हमें इसने डेटा शो कर दिया है। टॉप में सिर्फ हेडर के लिए स्पेस है और जो लेफ्ट है उसमें बहुत कम स्पेस बचा है। ठीक है दोस्तों, जहां हमारा डेटा था मैंने वापस उसी पोजीशन में ला दिया है उसको। अब आगे देखते जाते हैं किस तरह हम और भी अप्लाई कर सकते हैं मार्जिन में। दोस्तों ये आप कैसा भी कर सकते हैं, सिर्फ नैरो दिखाने के लिए मैंने आपको सेटिंग दिखाई थी। तो दोस्तों हम सीख रहे थे मार्जिन के बारे में। मार्जिन में जब हमें हमारे हिसाब से कस्टम मार्जिन करना हो तो कस्टम मार्जिन के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और हमें अब टॉप से बॉटम से जो भी हमारे हेडर फुटर के लिए स्पेस यूज करना है उसका हम यूज कर लेंगे। मान लीजिए मैंने लेफ्ट से इतना स्पेस दे दिया, टॉप से इतना स्पेस दे दिया, ये आपको करके भी दिखा रहा है यहाँ पे कि हमारे पास में लेफ्ट से कितना स्पेस दिखेगा हमें, टॉप से कितना दिखेगा, हेडर के लिए हमें कितना स्पेस छोड़ना है, राइट से हम कितना स्पेस देना चाहते हैं, बॉटम में हम कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं और फुटर के लिए हम कितना स्पेस देना चाहते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि हम किस तरह से सारा हमारा पेज का जो मार्जिन है ये सेटअप कर सकते हैं, और जब हमें ये प्रिंट प्रीव्यू में दिखेगा तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि हमने कितना मार्जिन दिया है, और जब ये प्रिंट होगा तो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि अभी हमें प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई देगा। तो इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि प्रिंट प्रीव्यू में ये किस तरह आ रहा है, क्योंकि पहले से ही शीट में स्पेस था, उसके बाद में मैंने लेफ्ट से स्पेस बढ़ा दिया, टॉप से स्पेस बढ़ा दिया, राइट में भी स्पेस दे दिया, तो ये इस तरह से स्पेस आ रहा है। क्योंकि एक पेज में ज्यादा स्पेस दिया है इसलिए दूसरे पेज में जब हमारे प्रिंट के लिए आ रहा है तो हमें नीचे बॉटम में भी दिख रहा है कि कितना स्पेस हमारे पास में रहने वाला है। तो देखा दोस्तों आपने कि हमारे पास में ये स्पेस का कितना रहने वाला है, इसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वापस से पेज लेआउट पे चलते हैं हम। यहाँ पे हमने ये एक मार्जिन का जो ऑप्शन है ये हम देख चुके हैं, जो कि बाइंडिंग में भी यूज आता है, इवन प्रिंटिंग में भी यूज आता है, ये बहुत सारी जगह यूज आता है। तो सबसे ज्यादा यूजफुलनेस है इसका बाइंडिंग में आता है कि हम जब बुक को बाइंड करा रहे हैं तो उसका डेटा छिप नहीं जाए, तो इसके लिए हम लेफ्ट से और टॉप से डेटा का मार्जिन स्पेस छोड़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, हम हमारे डेटा को दो तरह से शो कर सकते हैं, या तो पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट डेटा दोस्तों आपको दिख रहा होगा, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकली
हमारे पास में सारा डेटा अवेलेबल हो रहा है। अब मान लीजिए इसको मैं मुझे लैंडस्केप में शो करना है, तो मैं क्या करूंगी, लैंडस्केप में मैंने इसको शो तो कर दिया, लेकिन अभी आपको ये विजिबल नहीं दिखेगा क्योंकि डेटा जो है वर्टिकली हमारे पास में ज्यादा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो सेम डेटा है हमारे पास में, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगी जिससे कि आपको ज्यादा दिख सके। ये देखिए सेम डेटा मैंने यहाँ पे शो कर दिया, अभी आपको दिख रहा होगा। वापस से मैं इसमें लैंडस्केप मोड करती हूँ और इसको जब मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाके आपको दिखाती हूँ कि तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि इसमें क्या चेंजेस अप्लाई हुए हैं। ये देखा दोस्तों आपने प्रिंट प्रीव्यू में जाने के बाद में किस तरह से हमारे पास में ये पहले जो हमने मार्जिन सेट कर रखे है उसके अकॉर्डिंग ही हमें डेटा शो हो रहा है, लेकिन एक साथ ये कितने टैब्स में शो कर रहा है हमारा डेटा को। ठीक है दोस्तों, तो लैंडस्केप का यही फायदा है कि जिस तरह का लैंडस्केप से हमें ज्यादा से ज्यादा डेटा विजिबल हो जाता है प्रिंट में भी और प्रिंट प्रीव्यू में भी, क्योंकि प्रिंट के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास में इतना सारा डेटा है और वो एक ही पेज पे अवेलेबल हो जाए तो उसके लिए ये चीज़ें हमारे लिए काम आती है। ठीक है दोस्तों, लैंडस्केप के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह अगर आपके पास में ज़्यादा डेटा है एक ही शीट पे तो आपको कैसे उसको लैंडस्केप मोड में प्रिंट करवा के आप सारा डेटा एक ही शीट पे विजिबल करवा सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा डेटा उस शीट पे आप देख सकते हो और प्रिंट भी करवा सकते हो। तो ये दोस्तों ओरिएंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका आप यूज ज्यादा से ज्यादा एक ही शीट पे डेटा देखने के लिए यूज करते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास में साइज। साइज जो ऑप्शन है उसका हम यूज कैसे करते हैं दोस्तों, कि जैसे यहाँ पे हमें प्रिंट के लिए कौन से तरह का पेपर यूज करना है, किस तरह के पेपर पे हमारा ये जो डेटा है, ये शीट का जो डेटा है वो प्रिंट कैसे होगा वो हम करके दिखाते हैं। जैसे हमें लेटर चाहिए उसका ये साइज है, टैब्लॉइड चाहिए, लीगल कोई हमारा पेपर है उस पे उसका जो साइज रहेगा वो ये रहेगा, या स्टेटमेंट है, या फिर हमारा पेज का जो साइज है वो A4 है, A5 है, A3 है, जिस भी तरह का हमारे पास में साइज है तो उस तरह का साइज का हम यूज कर सकते हैं। इवन हम इसमें हमारे हिसाब से कस्टम मार्जिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का यूज है कि मान लीजिए हम शीट के किसी पर्टिकुलर डेटा को ही प्रिंट करवा के देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये प्रिंट एरिया ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली जिस डेटा को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे मैंने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में प्रिंट एरिया पे जाना है, सेट प्रिंट एरिया करना है। ठीक है दोस्तों, ये सेट हो गया प्रिंट एरिया। अब मैं इसका जाके प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख सकती हूँ कि किस तरह का ये प्रिंट आएगा। देख रहा होगा दोस्तों आपको, ये सिंपली जितना डेटा मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ उतने ही डेटा को ये हमारे लिए प्रिंट करके देगा, उससे ज्यादा जो शीट पे डेटा अवेलेबल था सारा उसको ये प्रिंट नहीं करेगा। हम फिर से पेज लेआउट पे चलते हैं। अब मेरे को इस जो प्रिंट के लिए मैंने सेलेक्ट कर रखा है इसके आपको दिख रहा होगा एक हल्की सी बॉर्डर शो हो गई है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया था प्रिंटिंग के लिए। अब मैं इसे हटाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना है, सिंपली वापस से पूरे डेटा को जितना सेलेक्ट कर रखा था करना है सेलेक्ट, उसके बाद में क्लियर कर देना है प्रिंट एरिया। जैसे मैंने क्लियर किया तो आपको दोस्तों ये दिख रहा होगा कि वो प्रिंट के एरिया की जो हल्की सी बॉर्डर थी वो यहाँ से हट चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ब्रेक। जैसे ब्रेक का यहाँ पे मतलब है कि हाँ हमारे जो शीट है उसके डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं इस ये जो फॉर्मेटिंग कर रखी है इतने एरिया तक एक ब्रेक चाहती हूँ, तो जस्ट मुझे जहां तक ब्रेक चाहिए उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी और इंसर्ट पेज ब्रेक कर दूंगी। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से यहाँ पे पेज ब्रेक स्टार्ट हो गया है कि फर्स्ट पेज जो चलेगा जो प्रिंट के लिए मेरे पास में यूज आएगा तो वो यहाँ तक रहेगा अश्विन कुमार तक। अब नेक्स्ट ब्रेक में चाहती हूँ ये अशोक महाजन, यहाँ तक अगर मुझे अपना ब्रेक लगाना है तो यहाँ पे फिर से मैंने इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिया तो ये आशा देवी तक सेकेंड पेज का हो गया। नेक्स्ट मैंने इसके लिए काफी डेटा रखा है, आप सेम डेटा यूज कर सकते हो। यहाँ पे पारुल से पहले जो है उसके यहाँ पे मैंने पेज ब्रेक दिया तो मैंने इसको चार शीट में डिवाइड कर दिया है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही मैंने पेज ब्रेक इंसर्ट किया है तो ये अलग से बॉर्डर एक शो होने लग गई है। इनका यूज ही यही है कि हमें शो कर रहा है कि इसे इसके बाद में हमारा पेज का या शीट का ब्रेक है और ये न्यू शीट स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा भी आपको ये अलग से खुद बॉर्डर दी हुई दिख रही होगी दोस्तों, ये हमारा डिफॉल्ट जो शीट है उसने अपना पेज ब्रेक ले रखा है कि इसके बाद में वो पेज ब्रेक शो करेगा। ये पूरा अच्छे से देखने के लिए हम हमारा प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। तो ये जितना हमारा सिलेक्शन है वो सारा डेटा यहाँ अवेलेबल हो गया है, आपको दिख रहा होगा ये मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था तो ये 4 पार्ट में ही दिख रहा होगा।
कि ये जो फर्स्ट पेज पे जैसे मेरे पास ना स्टूडेंट नेम, डेट एनरोल, एड्रेस, रेंट, स्ट्रीम और ये फी, ये सारा जो मेरा रो का हेडिंग था वो दिख रहा था, लेकिन दूसरे पेजेस में जाने के बाद में ये नहीं दिख रहा है। तो इसको भी अगर हम शो करवाना चाहते हैं तो उसके अभी हमारे पास में एक मेथड है, उसके लिए हमें सिंपली पेज लेआउट पे जाना है। यहाँ पे प्रिंट टाइल्स में जाके आपको क्या करना है, रोज टू रिपीट एट टॉप, कौन सी रो को आप टॉप में रिपीट करवाना चाहते हैं, सिंपली इस रो को जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखती हूँ, देखा आपने दोस्तों, सेकंड पेज पे भी मेरे पास ना स्टूडेंट नेम, डेट, एड्रेस, रेंट, स्ट्रीम, फी, ये सारा आ गया है। थर्ड पेज पे भी आ रहा है और ये फोर्थ पेज पे भी आपको दिख रहा होगा। तो देखा दोस्तों, अगर हमें चाहिए कि हमारे जो रो की हेडिंग है, वो जो रो की हेडिंग हमने दी है, वो हमारे प्रिंट में हर पेज पे आनी चाहिए, तो वो सेटिंग भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रिंट टाइल्स में जाना है और यहाँ पे जाके हमें रिपीट रो हेडिंग, रिपीट टू रोज टू रिपीट एट टॉप, कौन सी रो को हम रिपीट करना चाहते हैं टॉप पे, उसका जस्ट हमें एरिया सेलेक्ट करके बताना है कि ये हमें रेंज चाहिए। और सिर्फ मैंने उस रेंज को सेलेक्ट किया और प्रिंट प्रीव्यू में जाके हमें दिख गया कि हमें क्या क्या दिख सकता है, मीन्स क्या क्या रोज हमें हर पेज पे विजिबल होगी रो हेडिंग में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी काफी सेटिंग्स है जिनका आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम सारी चीजें वही यूज हो रही है जो हमें हमारे प्रिंट एरिया में यूज हो रही थी, कि अगर हम चाहते हैं पर्टिकुलरली किसी प्रिंट एरिया को सेलेक्ट करना तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम कॉलम कौन से लेफ्ट में भी, मान लीजिए अगर हमारे पास में कोई हेडिंग है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहे होते स्टूडेंट्स के, अगर मुझे उसे भी प्रिंट कराना है हर पेज पे, तो वो भी मैं यूज कर सकती थी। उसके अलावा भी यहाँ पे काफी सारी फॉर्मेटिंग है जो मैं अपने पेज प्रिंट पे यूज कर सकती हूँ। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास में टॉपिक है बैकग्राउंड। मान लीजिए दोस्तों, अगर मुझे इस शीट पे एक कोई दूसरी तरह की इमेज जो है बैकग्राउंड में चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने कुछ डिफॉल्ट डाउनलोड किए हैं इमेजेस, उनमें से मैं किसी भी इमेज को यहाँ पे एज अ बैकग्राउंड मैं कोई दूसरा इमेज ले लेती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से दिखा सकूं। देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये मेरा डेटा इसके यहाँ पे आ रहा है, इसलिए आपको ये इमेज अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको ये बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, जब मैं नीचे कर रही हूँ इसे, तो ये दिख रहा होगा कि जो रैबिट की इमेज है जो मैंने ली थी, एज अ बैकग्राउंड में यूज कर सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट पेज पे हमने काफी सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, इसलिए वो हमें रैबिट की पिक्चर अच्छे से शो नहीं हो रही थी। तो देखिए दोस्तों, हमें डेटा भी शो हो रहा है, इवन हमारी बैकग्राउंड इमेज भी शो हो रही है। तो ये काफी यूजफुल है और इसे हम यूज करते हैं हमारे डेटा को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड यूज करने के लिए। अब सिंपली दोस्तों, अगर मुझे इस बैकग्राउंड इमेज को हटाना है तो क्या करना है, बैकग्राउंड की जगह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिलीट बैकग्राउंड, जस्ट इस पे क्लिक कर देना है तो वो बैकग्राउंड इमेज डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में विड्थ। मान लीजिए दोस्तों, जो मेरा एक पेज है या ये जो सारा डेटा है, अगर मैं इसे केवल एक ही पेज में प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट को सेट कर सकती हूँ। विड्थ के लिए क्या करना होगा कि मैं इसका विड्थ जो है एक पेज में ही आ जाए, ऐसा कर दूं, और इसकी हाइट भी इस तरह कर दूं कि एक या दो पेजेस में आ जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टू पेज कर दिया, क्योंकि मुझे पता है डेटा मेरे पास में बहुत ज्यादा है। कंट्रोल पी से देख पाएंगे दोस्तों, दिख रहा होगा आपको किस तरह से ये एक और दूसरे पेज में आ गया है, क्योंकि मैंने हाइट में इसको टू पेज में किया था और विड्थ में मैंने इसको वन पेज में किया था। तो इस तरह से ये जितना मैंने इसको हाइट में श्रिंक करना चाहा है, विड्थ में भी मैंने इसकी कम कर दी है कि एक ही पेज में हो, अगर वो डेटा ज्यादा है तो वो एक ही पेज में या दो पेज में हो जाएगा। तो इस चीज का फायदा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास में कुछ डेटा ज्यादा है या कम है, और इसे हम केवल एक ही पेज में या दो ही पेज में या जितने भी पेजेस में हम चाहते हैं, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मैंने जब ऑटोमेटिक कर दिया वापस से, विड्थ को भी ऑटोमेटिक कर दिया और हाइट को भी ऑटोमेटिक कर दिया, तो मैं यहाँ पे स्केल टू फिट कर सकती हूँ। स्केल टू फिट का मतलब है दोस्तों कि मैं यहाँ पे सेट कर सकती हूँ कि कितनी स्केल में, मतलब किस स्केल में ये डेटा मेरे पास में एक पेज में आ जाना चाहिए। दोस्तों मैं जितना इसको छोटा करती जाऊंगी स्केल टू फिट को, उतना ही मेरा डेटा श्रिंक होता जाएगा, मतलब डेटा छोटा दिखेगा, बहुत ही ज्यादा
छोटा दिखेगा, अच्छे से विजिबल नहीं हो पाएगा जब मैं इसे प्रिंट निकालूंगी, या वैसे भी प्रिंट प्रीव्यू में भी देखना चाहूंगी तब। ये जो शीट ऑप्शंस है इसमें ये ग्रिड लाइन दिख रहा है। ग्रिड लाइन क्या होता है दोस्तों? यही रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है, यही इस तरह का लुक जो होता है वो ग्रिड लाइन कहलाता है। तो एक्सेल में तो ये ऑलरेडी हमें अवेलेबल है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रिंट निकले तो उसमें भी इस तरह से हमें ग्रिड लाइन शो हो हमारे डेटा की। तो हमें जस्ट क्या करना है, प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है चेकबॉक्स के ऊपर, और फिर हम प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख पाएंगे कि देखिए ये ग्रिड लाइंस, जितनी भी स्पेस जो मैंने छोड़ा हुआ है, मार्जिन छोड़े हुए हैं या कॉलम्स छोड़े हैं, वो सारे भी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। देखा दोस्तों आपने किस तरह हम ग्रिड लाइंस भी शो कर सकते हैं हमारे प्रिंटिंग के पेपर पे। इसी तरह दोस्तों अगर हमें हेडिंग शो करनी है तो यहाँ पे हेडिंग्स क्या है, ये स्टूडेंट इन्वेंटरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे हेडिंग है जो हमारे कॉलम का जो नेम है, जो हेडिंग में आ रहा है ABCD, उसके अलावा रो का जो कॉलम, सॉरी रो की जो हेडिंग है 1, 2, 3, अगर ये हमें प्रिंट में देखना है तो इसे भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। देखा दोस्तों आपने, ये ABCD और ये 1, 2, 3, ये पूरा हमें अवेलेबल हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हमारे पेज लेआउट के नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है पूरा अरेंज। अरेंज दोस्तों आपने हमने पहले भी देखा है, स्लाइसर का ऑप्शन जो मैंने आपको सिखाया था उसमें ये सारी चीजें हो रही थी कि जब दो या दो से ज्यादा स्लाइसर है तो उनको हम ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये कैसे कर सकते हैं। सिलेक्शन पैन में जाके हम शो कर सकते हैं कि कौन सी इमेज या कौन सा स्लाइडर शो होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, उनका अलाइनमेंट, उनको कैसे ग्रुप कर सकते हैं और कैसे रोटेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम अरेंज ऑप्शन में पहले भी देख चुके हैं। अगर दोस्तों आप उसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जैसे जहाँ पे मैंने आपको ग्रुपिंग और स्लाइसिंग सिखाया था, उसके अलावा भी काफी जगह ये ऑप्शंस हमें हर जगह ये यूज आते हैं। ये मेनली बेसिकली यूज आता है दोस्तों अगर हम हमारी जो शीट है उसमें कोई इमेज जो है उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, 2-3 इमेजेस हैं तो उनको ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड वो करना है या ग्रुप करना है, तो वहां पे ये रोटेशन के लिए हमें यूज आता है। तो दोस्तों आज हमने प्रिंट लेआउट पूरा सीख लिया है कि किस तरह हमें जो हमारा डेटा है प्रिंट करवाने के लिए उस पर हमें क्या क्या फॉर्मेटिंग की अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, जैसे हमें पेपर का साइज सेलेक्ट करना है, किस तरह का पेपर पे हम प्रिंट चाह रहे हैं, किस तरह का ओरिएंटेशन हम चाहते हैं कि पोर्ट्रेट हो तो कम डेटा शो होगा, लैंडस्केप में हमारे पास में ज्यादा डेटा शो होगा। ठीक है दोस्तों, मार्जिन हम दे सकते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, उसके अलावा हेडर और फुटर का, हेडर एंड फुटर का मैंने आपको यूज बताया था कि हेडर एंड फुटर में हम क्या क्या चीजें सेट कर सकते हैं जो हमारे हर पेज पे शो होगी, और हमारा पेज नंबर है जो फुटर में या हेडर में जहां पे भी हम चेंज होता हुआ दिखाना चाहें वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम हमारे पेज में ब्रेक्स लगा सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली किस एरिया को हमें प्रिंट करवाना है और किसको नहीं। इसके अलावा हम शीट का बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हैं और उसकी शीट में जो डेटा अवेलेबल है उसको अलग अलग थीम्स में भी शो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आज हमने देखी और सीखी। तो दोस्तों आपको भी यही करना है, सेम डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं या आपके पास में जो डेटा अवेलेबल है उसको यूज़ करके आप सेम फॉर्मेटिंग सप्लाई कर करके देख सकते हैं, जिससे कि जब नेक्स्ट टाइम आप भी अपने पेज का प्रिंट निकालें, एक्सेल की शीट का डेटा चाहें, तो आप उस पर ये सारी फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करके यूज कर सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और आप अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।